Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ पावर। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं, एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन साइकिल। ये जो वीडियो है ये कमेंट के वजह से बन रही है। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें। और कोई भी अगर आपको वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर बनवानी हो, समझनी हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ऑक्सीजन साइकिल, तो हम उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ऑक्सीजन साइकिल में अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि साइकिल्स का जो मेन काम होता है, हमारे ये जो बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं जितनी भी, वो चाहे ऑक्सीजन साइकिल हो, कार्बन साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, इन सभी का एक ही है कि जो उनकी जो लेवल है, जो जितनी परसेंटेज है, परसेंटेज आपको मतलब समझ में आएगा, उसको मेनटेन रखना। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारे एटमोसफेयर के अंदर 21% है, ये कभी भी 18% नहीं हो सकती, ये कभी भी 24% नहीं हो सकती, ये हमेशा 21% ही रहेगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जो 21% मेंटेन है, जिसने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है इस परसेंटेज को, तो इस मेंटेनेंस का सिर्फ एक ही कारण है, वो है जो आपकी ऑक्सीजन साइकिल है। तो चलिए ऑक्सीजन साइकिल के समझते हैं कि वो क्या चीज है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ फैक्ट्स ऑक्सीजन से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है 21% एयर में प्रेजेंट है, ठीक। वो 30% हमारे लैंड में है, मैं बताऊंगा कैसे। और 65% वो हमारी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो ये तो सिंपल है, पहली बात तो बताया कि 21% एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दूसरा 30% ऑक्सीजन बहुत सारे मेटल्स के ऑक्साइड के रूप में, मेटल के ऑक्साइड के रूप में होता है। और ऑक्साइड हमें पता है मेटल जितने भी हैं वो सब के सब लैंड के अंदर है, इसलिए 30% लैंड के अंदर कॉम्प्रोमाइज है। बाकी 65% बॉडी के अंदर ऐसे कि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो 65% वाटर से बनी हुई है। वाटर यानी कि H2O, इसका केमिकल फॉर्मूला, जहाँ वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह ये हमारी बॉडी के 65% को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अब ये फैक्ट्स बताने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीजन साइकिल। तो चलिए अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल की। यहां ये रही आपकी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि हमें पता है 21%, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए लेते हैं, है ना। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि और भी पहले भी कमेंट आ चुके हैं, तो मैं रेस्पिरेशन का मतलब बताता हूँ। रेस्पिरेशन साइंटिफिक टर्म है फॉर ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग क्या है, सांस लेना। और अगर हम और साइंटिफिकली जाए तो ब्रीथिंग के, जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल में, यानी कि एनर्जी रिलीज करता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है यूज होती है, जैसे कि बताना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, और रिलीज होती है H2O और CO2, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस रेस्पिरेशन के प्रोसेस से रिलीज हुआ एक तो आपका CO2 और दूसरा H2O, ठीक है। ये लिविंग बींग्स में लिख देता हूं, यहां पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो इसको रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। अब बहुत से प्रोसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है, इनटेक होती है, लेकिन ऑक्सीजन का वापस से एटमॉस्फेयर में आने का केवल एक ही प्रोसेस है, वो है फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनिमल्स CO2 और H2O, पानी हम देते हैं उन्हें, H2O, ठीक है, ये दोनों लेकर क्या बनाती है, अपना खुद का खाना बनाती है, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो चलिए ये रहा फोटोसिंथेसिस, इसमें ये दोनों
यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द CO2 एंड H2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन फिर से आपकी आ गई है एटमॉस्फेयर के अंदर वापस। अब हमें एक बात और बताए कि जो फोटोसिंथेसिस है इसका मेन काम क्या है, फूड बनाना। तो ये चलिए यहां से ये बन गया आपका C6H12O6, यानी कि सिंपल फॉर्म में लिख दिए तो ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कौन लेते हैं, लिविंग बींग्स, ठीक है। और ज्यादातर जितने भी फूड है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है ना, लिपिड्स, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, इन सभी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब हम लोग रेस्पायर करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, वो प्रोसेस मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। तो यहां से ये पूरी दोबारा से साइकिल रिपीट हो गई है ना। अब इसके अलावा एक प्रोसेस और है, वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये प्रोसेस है बर्निंग का, ठीक है। इस बर्निंग के प्रोसेस में हमें पता है किसी भी चीज को जलाने के लिए केवल दो चीजें की जरूरत होती है, एक होती है एक ऑब्जेक्ट की जो जल रहा है, दूसरी होती है ऑक्सीजन, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई भी ऑब्जेक्ट जल सकती है। तो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन यूज की जाती है बर्निंग के प्रोसेस में, और उस प्रोसेस में हमें पता है क्या रिलीज होती है, CO2। CO2 रिलीज हुई और वापस से ये जो है CO2 यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये साइकिल रिपीट हो गई। चलिए मैं एक बार और इसका शुरुआत से इसका रिवाइंड कर देता हूँ। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो लिविंग बींग्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन द साइंटिफिक टर्म फॉर ब्रीथिंग। इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, वो यहाँ मैंने लिखा है C6H12O6, यही है वो फूड, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन से हमारे जो रिलीज करते हैं ये लिविंग बींग्स वो है CO2 और H2O, ठीक। CO2 और H2O ये दोनों ही चीजें यूज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। और उस प्रोसेस में वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वापस से अपने एटमॉस्फेयर में वापस चली गई, और दस इट इज ऑलवेज मेंटेन टू बी 21% इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अभी एक चीज और है, यहाँ रेस्पिरेशन के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ जो एनिमल ह्यूमन बींग के साथ ऐसा नहीं होता, पर प्लांट्स जितने भी एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, है ना। और जब वो मर जाते हैं तो वो अपने आप, मैंने पहली वीडियो में बताया कि वो सॉइल के नीचे चले जाते हैं, बहुत सालों बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी आपकी ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑक्सीजन साइकिल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन साइकिल खत्म होती है आपकी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको लगता है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आया वो पार्ट, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम आपका जो है रिप्लाई, आपके जो है सॉल्यूशन बहुत जल्दी देंगे। और अगर किसी और वीडियो के ऊपर, किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी है, तो प्लीज़ उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर उसके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग माय स्पार्क।